प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। एक बार फिर से एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वो भारत को सौंपने वाले हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और राजस्थान की राजधानी जयपुर के बीच चलने वाली है। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और इसकी नियमित सेवा 13 अप्रैल से यानी कि कल से शुरू हो जाएगी। जयपुर, अजमेर, अलवर और गुरुग्राम होते हुए ये ट्रेन दिल्ली कैंट पहुंचेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर के बीच की जो दूरी है वो महज 5 घंटे 15 मिनट में तय कर लेगी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात फिर से मिलने वाली है भारत को। इससे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनारस से बनारस से सीधे दिल्ली तक आती है और वहीं जम्मू से भी दिल्ली को जोड़ती है वंदे भारत एक्सप्रेस। साउथ इंडिया में भी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज देश को मिलने वाली है, राजस्थान को मिलने वाली है। समय 11 बजे का रखा गया है और 11 बजे ये ट्रेन रवाना हो जाएगी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज ये रेवाड़ी में भी रुकने वाली है। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर इसका स्वागत होने वाला है। वो बात अलग है कि रेवाड़ी में इसका स्टॉपेज होगा नहीं और रेवाड़ी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं खासतौर पर जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि क्यों इसका रेवाड़ी पर स्टॉपेज नहीं है।